भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव अकेले भोजपुरी के ऐसे स्टार हैं जिनके नाम पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे निरहुआ रिक्शावाला, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, और आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि उनके नाम पर बनी सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया है। इस नाम का चमत्कार निरहुआ भी मानते हैं कि जब से ये नाम उनसे जुड़ा है वो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि निरहुआ का मतलब क्या होता है? जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो कभी भी अपनी पत्नी से दूर ना हो वही निरहु होता है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि निरहु का मतलब होता है सिंदूर। जी हाँ, निरहु का असली मतलब होता है सिंदूर। निरहु को संस्कृत में सिंदूर कहा जाता है। जी हाँ, निरहु को संस्कृत में सिंदूर कहा जाता है। निरहु से निरहुआ, अब आप ये समझ सकते हैं कि यूपी बिहार में हर नाम के पीछे या और वा लगाने की प्रथा है। जैसे दिनेश दिनेशवा, पवन पवनवा, तो ठीक उसे निरहु निरहुआ बन गए। अब आपसे कोई कभी भी पूछे कि निरहु का क्या अर्थ होता है, तो अब आप बेझिझक कहिएगा कि निरहु का अर्थ होता है सिंदूर। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।